फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ एक स्वीट डिश जिसमें ज़्यादा कुछ सामान नहीं लगेगा और वो बना रही हूँ मैं शकरकंद की चमचम। तो आइए हम बनाते हैं। तो मैं इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ, ज़्यादा कुछ सामान नहीं लगेगा। मैं शकरकंद, जो बंगाली में इसे मिष्टी आलू बोलते हैं, और यहाँ पर है 250 ग्राम चीनी, मैं एक छोटा कटोरे के एक कटोरे दूध लिए हैं, सूजी है, और यहाँ पर दो इलायची है, और मैं लूँगी थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा, बिल्कुल ही थोड़ा सा नमक, चुटकी भर बस। और लगेगा डालडा घी लगेगा, जिसमें मैं तलूँगी। अच्छा, पहले मैं शकरकंद छील लूँगी और प्रेशर कुकर में उसे उबालने के लिए छोड़ दूँगी। पहले मैं शकरकंद को छील लूँगी। हो गया, अब मैं इसको अच्छे से धो लूँगी। अब मैं इसको बिना नमक डाल के ही प्रेशर में थोड़ा सा मीडियम फ्लेम करके एक सीटी लगा लूँगी। ज़्यादा इसे उबालना नहीं है। देखते हैं, हाँ हो गया। अब मैं इसको निकाल लूँगी। अभी आलू थोड़ा सा गर्म है तो मैं इसको मैस्ट करके छोड़ दूँगी ठंडा होने के लिए। गर्म है इसलिए मैं एक ग्लास की हेल्प से मैस्ट कर रही हूँ। आपके पास मैसर हो तो आप मैसर से भी मैस्ट कर सकते हैं। जब तक आलू ठंडा हो रहा है, मैं इसका सीरा बना के रेडी रखती हूँ। मैं गैस पे कढ़ाई चढ़ा दिए, कढ़ाई थोड़ा सा गर्म होने के लिए छोड़ दूँ। अब मैं कढ़ाई में चीनी डाल दिया और इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी। मैं गैस की फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा के रखी हूँ। अभी इसमें उबाल आ गया है तो मैं अभी क्या करूँगी, मैं जो एक छोटा कटोरे जो दूध रखी थी ये मैं इसमें डाल दूँगी। फ्लेम को थोड़ा सा लो कर दूंगी। मैं इसके अंदर से मैं ये सारा छान लिया, जो इलायची लिए थे दो, मैं उसको डस्ट करके इसमें मिला दूंगी, क्योंकि इसमें सीरा में अभी दो तार एक तार देखने का ज़रूरत नहीं है। अभी मैं गैस को बंद कर देती हूँ और इसे साइड कर लेती हूँ। आलू ठंडा हो चुके हैं। और एक बात है, बंगाली में ये मिष्टी आलू को और एक बोलते हैं, वो है रांगा आलू। पहले आलू को बिल्कुल अच्छे से इसे मैस्ट करना है, इसमें एक भी दाना नहीं रहना चाहिए। पर मैं इसमें बिल्कुल ही चुटकी भर नमक डालूंगी, बिल्कुल चुटकी भर, क्योंकि ये मीठा चीज़ है, इसमें नमक ना भी डालेंगे तो भी चलेगा। मैं थोड़ा सा दे रही हूँ इसलिए कि उससे थोड़ा सा टेस्ट और भी अच्छा लगेगा। तो पहले मैं पूरा इसे मैस्ट कर देती हूँ। जितना सॉफ्ट और मुलायम आप इसको बनाएंगे आलू को, उतना अच्छा।
और इसमें मैं मीडियम चम्मच का एक चम्मच और थोड़ा सा सूजी डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं दूंगी। अब इसको अच्छे से इसके साथ मिलाना है। इसे एक डो की तरह बना लिया मैंने। अब मैं गैस पे कढ़ाई चढ़ा दिए हैं। अब मैं इसमें डालडा घी दूंगी। जब तक घी पिघल जाता है तब तक मैं सेब बना लेती हूँ। मैं थोड़ा सा हाथ में तेल लेकर इसे बना रही हूँ। ये बिना तेल के भी बन जाएगा, हाथ पे नहीं चिपकेगा। बहुत ही इजी स्टेप है बनाने का, आप घर पे बना के रख सकते हैं। सारा सेब बन चुके हैं, घी भी गर्म हो चुका है, तो मैं अभी इसे घी में डालूंगी। फ्लेम बिल्कुल ही लो फ्लेम पे है, क्योंकि जल्दी अगर हाई फ्लेम कर देंगे तो जल्दी ये पक जाएगा लेकिन अंदर से कच्चा रह जाएगा, तो इसलिए मैं फ्लेम को एकदम लो कर दिए हैं। इसे डीप फ्राई करना है, ब्राउन होगा तब तक मैं फ्राई करूंगी। इस साइड में मैं फिर से सीरा थोड़ा सा ठंडा हो गया था, मैं इस साइड में गैस में चढ़ा दिया है। थोड़ा सा गर्म होना चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं। ये ब्राउन हो चुके, मैं इसको सीरा में डाल दूंगी। ये भी हो चुका, अब मैं निकाल लूँगी। अब गैस को भी मैं ऑफ कर दूँगी। सारा बन चुका है और मैं इसे सीरा में डाल दूँगी। अब सीरा में डालने के बाद आप इसे एक घंटा दो घंटा या जितने ज़्यादा आप इसे छोड़ सकेंगे उतना ही इसके अंदर सीरा भी जाएगा। तो मेरा ये बन चुके हैं चमचम। दिखाती हूँ मैं कितना सॉफ्ट बना है।
देखिए कितना सॉफ्ट है और इसके अंदर भी सिरा बिल्कुल पहुंच चुका है। देखिए कितना सॉफ्ट बना है चमचम। फ्रेंड्स कैसा लगा मेरा ये चमचम, ज़रूर आप लिख के बताना कि कैसा हुआ। और ये अगर आपको अच्छे लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और न्यू व्यूअर्स को मैं ऑलवेज़ बोलती हूँ कि आप सब्सक्राइब कर दीजिए तो मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाएगा। और भी मैं न्यू वीडियो लेके आऊँगी आपके सामने। टाटा।